व्हाट्स अप पीपल कैसे हैं हैं आप सब ठीक ठाक इट्स वाचिंग वेलकम बैक टू द चैनल उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे खैर खैरीत से होंगे एंजॉय कर रहे होंगे और जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो जय शंकर साहब का स्टेटमेंट है हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं लेकिन पहले जो था वो एक जेनेरिक न्यूज था और उस पर हमारी आप कह लें गपशप थी अब इट्स काइंड ऑफ अ रोस्ट वीडियो क्योंकि इसमें ये टाइटल दिया गया है कि इंडियन फार्म मिनिस्टर जय शंकर इन सल्ट स्पोर्ट्स पाकिस्तानी एंकर फिजा ख़ान इन कोमा तो फिजा ख़ान या इनका चैनल बॉल न्यूज़ रोज़ कुछ ना कुछ ये शो में बोलती हैं और रिएक्शन में रोज़ कुछ, कुछ ना कुछ जो है ना इन पे रोस्ट वीडियो बनता है तो आ, मतलब लोगों ने कम चका हुए शुरू करते हैं देखते हैं आज इनके साथ क्या क्या हुआ है कर लो, भारत से ख्वाब इंडिया आउट इंडिया आउट अब क्या हुआ ऐसे नहीं चलेगा अच्छा जी आगे चलती तो है दूसरी अहम जो खबर है अच्छा अहम इशू है उसकी तरफ मैं आना चाहूंगी ठीक है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डर जो एक जमाने में सबक वजीर खजाना जो की अभी हमारे मौजूदा वजीर खारिजे हैं इसाकदार साहब उन्होंने ये बात बोली है कि साहब बिजनेसमैन से बड़ा प्रेशर है यानी कि पाकिस्तानी बहुत जबरदस्त प्रेशर है कि भारत के साथ ट्रेड दोबारा शुरू करो उनको भारत से तिजारत की याद सताने लगी है इसाकदार साहब ने कहा है कि जी पाकिस्तान भारत से तिजारत बहाल करने पर संजीदगी से गौर कर रहे आप अपना काम करो ना भाई कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तजारती ताल्लुकात हो A very sustained, almost an industry level you know, assembly line of people whose job it is to do bad things at night. फॉर पाकिस्तान यूज टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट भारत इंतखाबात से कब ये फैसला किसके में जब से एच जयशंकर जी ने पाकिस्तान को लताड़ा है, पाकिस्तान को आईना दिखाया है, पाकिस्तान को उसकी जगह दिखाई है तब से फिजा खलीफा सुरफरन खा की तरह तड़फ रही है मचल रही है ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से राम और लक्ष्मण ने सुरफरन खा का, का प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर दिया था उसके बाद जो तिल मिलाई थी जो उसके अंदर ज्वाला उत्पन्न हुई थी उसी ज्वाला से आज फिजा खलीफा तड़प रही है

गलत क्या इंडिया से ट्रेड चाहिए इंडिया इंडिया को इतना मतलब के अप्रेड नहीं है उससे करने से अच्छा हम चाइना की तरफ करें ताइवान की तरफ फोकस करें यहाँ पे हमारा हमें फायदा होगा प्याज आपको चाइना से मिल जाएगा प्याज चाइना से नहीं हम खुद ही कर रहे हैं हम तो सामने एक बॉम्ब पड़ा इतना उगा रहे हैं

तो आप कहते आ, पहले कश्मीर का मसला करो, करो, कहते कहते हल पहले पहले दो टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ से इंकार क्या कर दिया वो हमसे मुजाक से इंकार करें और हम मरे जाए उनसे हम करें उन्होंने पाकिस्तान को सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दे दिए और यहां तक कह माजी को भूल बातचीत नहीं हो सकती उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें उनके रवैये देखें अभिनंदन जहाज लेके गिरा था यहाँ पे क्या करने आया था पाकिस्तान में और हम उनके साथ तिजारत की अगर आप बात करेंगे वजीर खारजा होकर कश्मीर के मसले पर तो पहले बात कर लेना आप पहले मसला कश्मीर उनसे डिस्कस करें फिजा खलीफा को कश्मीर को लेकर बड़ा दर्द है मैं समझ सकता हूँ फिजा तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूँ मैं जानता हूँ तुम्हारी तकलीफ क्या है तो आज फिजा खलीफा मैं तुम्हारी इस तकलीफ का इलाज करता हूँ ये, ये है पाँच डॉलर ये पाँच डॉलर मेरी तरफ से है तुम्हारे को इन पाँच डॉलर का तुम सबसे पहले अपना नेट रिचार्ज करना फिर यूट्यूब ओपन करना और उसमें सबसे पहले लिखना और लिखना श्रीनगर ब्लॉक और फिल्टर में जाना टुडे कर लेना और फिर वहाँ पर जाके डेली डेली तुम ऐसे ब्लॉग देख सकती हो इन पाँच डॉलर के से फिर जो कश्मीर में हो रहा है वो अपनी मीडिया के अंदर बैठ के बता देना अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो मैं को सलाम पेश करती आपकी हिम्मत को ओके okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार देखो पहले क्या होता था ट्रेड हो रही होती थी और इस ट्रेड की एक्सपेंशन के लिए या फिर सार्क ममालिक में ट्रेड को मजीद बढ़ाने के लिए इंडिया कहता था और टेबल पे बैठो और पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहती थी ना 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 पहले कश्मीर फिर 2019 आया 2019 में तीन हटा फिर स्ट्राइक्स हुई और फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान ने खुद ही मतलब इतना कुछ हो गया स्ट्राइक्स हो गई प्रोटेस्ट हो गए लेकिन स्टिल ट्रेड वाज गोइंग ऑन पाकिस्तान ने ख़ुद वो ट्रेड बंद की अब जब पाकिस्तान ने ट्रेड बंद की उन्हें तो घंटा फर्क नहीं पड़ा ठीक है वो बाकी कंट्रीज से ट्रेड कर रहे थे वो आटे में नमक बराबर भी फर्क नहीं पड़ा तो दे न्यू वन थिंग के हम उनके लिए कोई बहुत बड़े ट्रेड पार्टनर नहीं हैं कि हमारे हों ऐसा प्लेयर नहीं है कि हमारे होने ना होने से उन्हें कोई फ़र्क पड़े और उनके लिए लाइफ उसी तरह चलती रही प्रॉब्लम हमारे लिए खड़ी होना शुरू होगी क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की चीज़ें फर्टिलाइज़र की और एग्रीकल्चर्स के प्रोडक्ट हम जो है ना मंगवाते थे इंडिया से और कंज्यूम करते थे अब वो जब हमें दूसरे कंट्री से प्रोक्योर करने पड़े तो उनकी प्राइस इतनी बढ़ गई हैं कि हमें समझ नहीं आ रही इन्फ्लेशन बढ़ क्यों रहा है बढ़ क्यों रहा है और अब जब इन्होंने सब ने मिलकर दिमाग खपाया तो रीज़न इन्हें पता लग गया जी इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जब हम इंडिया से प्याज लेते थे तो क्योंकि बिल्कुल पॉडर सात था तो हमें ये कॉस्ट पड़ती थी अब हम घूम फिर के लेते हैं तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट शिपिंग कॉस्ट फिर उसको जो है ना पोर्ट से लेके पूरे पाकिस्तान तक भेजना कॉस्ट तो बढ़ेगी ना ऑटोमेटिक अब पाकिस्तान में तय कर रहे हैं। और जयशंकर साहब कह रहे हैं ना 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 न ऐसे नहीं आओ बैठते हैं पहले दहशत गर्दी पर बात होगी और अगर मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान कहते हैं ना ठीक है न, आओ बैठते हैं तो इट मीन मेरे ख्याल में हुकूमत को ये डर है कि हमारा उस टेबल पे बैठना ही इनफ होगा कि हाँ हम मानते हैं कि जितनी भी क्रॉस बॉर्डर टेरिज्म है ना वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है पाकिस्तान की तरफ से तो मेरे ख्याल में ये जो रियलाइजेशन है ना ये जो डर है ये एक्सेप्टेंस का ये हुकूमत को बैठने नहीं दे रहा और मेरे ख्याल में बेहतर ये नहीं होगा कि पाकिस्तान ख़ुद से बग़ैर किसी के कहे अमेरिका चाइना इंडिया इनके कहे जितने भी टेरर आउटलेट्स हैं या जो लोग दूसरे कंट्रीज़ में किसी भी तरह की स्टेट को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं या टैरज़म करते हैं उन पर ले उनकी उनकी गिरफ्तारियाँ करें अरेस्ट करे सजाएँ दें उनके आउटलेट्स को ख़ुद से बंद करें तो मेरे ख्याल में अगर हम ये करेंगे ना तो दुनिया का एतमाद हम पे बढ़ेगा और फिर हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब हम ख़ुद से एक्शन लेना शुरू कर देंगे तो लोग ख़ुद दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे ये मेरा ओपिनियन है बाकी उनको हमारे साथ ट्रेड करने ना करने से घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी जो इकनॉमिक कंडीशन है वो हमसे बहुत 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 ज़्यादा है तो कोई ख़ास सुने वो नहीं है इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा फिजा का चिल्लाना तो हमने देख लिया बहुत ही यार चीज़ है ये तो शुक्र है मैं नहीं देखता इसका शो ठीक है मिलते हैं अपना ख्याल रखना सी यू गाइज